Hello, hello, and welcome back to my channel. You're watching Exploring Bong, and I am back with episode 4 of Kolkata Diaries. Shashti mein late night ghoomte ghoomte thak to kaafi gaye the, lekin itni door ghar baithne thodi aaye hain. Durga Puja dekhne aaye hain, hai ki nahi? To bas, subah nikalna to banta hi tha. Subah ke 11 baje, ye hum nariyal pani peeke apni kambakhat kismat ka aanand le rahe the. क्योंकि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेट्रो स्टेशन पहुंच के पता चला कि आज तो मेट्रो हमारी 1 बजे शुरू होगी। फिर क्या ऐसे ही एक बस में चढ़ गए और दूसरे मेट्रो स्टेशन पे आ गए। है वो भी बंद था। ऐसा दिमाग का बहुत सही प्रयोग कर सकते हैं हम, नहीं? सोच ही रहे थे कि चलो अब टैक्सी कर ले, उतने में खुल गया मेट्रो स्टेशन का गेट। हम निकले थे श्याम बाजार जाने के लिए, तो उसके लिए हमने पहले एस्प्लानेड की बस पकड़ी थी। उस बस में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, तो हमने सोचा कि बस से उतर के मेट्रो में चलेंगे। मेट्रो में उसकी 100 गुना भीड़, तो हम पहले ही उतर गए वहाँ पे पार्क स्ट्रीट। तो अभी हम पार्क स्ट्रीट पे हैं नीचे देख के, और अभी तक हमने एक भी पंडाल नहीं देखा, और अभी हम जाएंगे कुछ खाने। पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सोचेंगे आगे क्या करना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सुबह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अब देखते आगे क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ नहीं, चाय पी के हम थोड़ा सा पार्क स्ट्रीट एक्सप्लोर करने निकल पड़े। हाँ हाँ पता है पैनल हॉपिंग करनी थी, बट फिलहाल हम थोड़ा अपने एक्चुअल प्लान से भटक गए और पार्क स्ट्रीट स्ट्रॉलिंग में निकल पड़े। पार्क स्ट्रीट इज अ फेमस थ्रू फेयर इन डाउनटाउन कोलकाता। इन बंगाली इट इज ऑफन रेफर्ड एज शाहिबिरपाड़ा और नेबरहुड ऑफ इंग्लिशमैन। इट्स लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ कोलकाता। पार्क स्ट्रीट रिमेन्स कोलकाता'स फॉरमोस्ट डाइनिंग डिस्ट्रिक्ट विद मेनी रेस्टोरेंट्स एंड पब्स। इट इज ऑफन नोन एज फूड स्ट्रीट एंड द स्ट्रीट दैट नेवर स्लीप्स। In the last 15 years, many new restaurants, shopping malls, 5-star hotels and nightclubs have opened in other areas of the city, and hence, Park Street has lost much of its earlier attraction as being the numero uno entertainment hub of Kolkata. However, it is still one of the prime commercial and entertainment zones of the city. Park Street is traditionally decorated with lights on Durga Puja, Diwali, Christmas and New Year's Eve. Most of the dining places are fully booked. लोग यहाँ खाने के लिए कई दिनों पहले से बुकिंग कराते हैं, especially during the times of festivities. And that, the iconic place famous for its English breakfast that cost around 1,000 to 1,200 per person. Flurries, the legendary tea room on fashionable Park Street in Kolkata was founded in the year 1927 by a non-native Swiss couple, Mr. and Mrs. J. Flurries. आप यहाँ पे इनकी लैविश डेलिकेसीज का मजा ले सकते हैं इफ यू हैव इनफ मनी, यू नो। वन ऑफ द अनदर मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस वेयर यू कैन शॉप फॉर फुटवेयर, पर्सेस एंड वॉलेट्स, श्री लेदर्स, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1998। Shree Leathers is a top player in category leather shoe dealers in the Kolkata. The humble beginning of the brand Shree Leathers dates more than 3 decades ago when Shree Satyabrata De came to Kolkata and started a business of selling footwear from a little shop in Lindsay Street, New Market. यहाँ से कुछ लेना तो बनता ही था, क्योंकि ना सिर्फ ये iconic and historic है, बल्कि it has the heart of every Kolkata's bashinda. पहले वाला पार्क स्ट्रीट में था जहाँ जो सैंडल मेरे को पसंद आया था उसका साइज नहीं था उनके पास। देन दे टोल्ड अस अबाउट दिस शॉप, तब रियलाइज हुआ कि हम तो गलत ब्रांच में चले गए। आना हमको एक्चुअली इस वाले में ही था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, और ये दूसरा वाला न्यू मार्केट में है। एंड यस, दिस वन इज द ओल्डेस्ट श्री लेदर स्टोर। यू कैन सी द क्राउड गोइंग क्रेजी इवन ड्यूरिंग द 7th डे ऑफ दुर्गा पूजा। It is chaotic, it is moody, it is alive, and it is evergreen.
It has a unique blend of Indian and Western cultures. Rich in history and cultural heritage, this place has everything to cater everybody's interest. Kolkata is just beautiful. आखिरकार पहुंच गए भाई, पहुंच गए आज का सबसे पहला पंडाल. पता है इसके पीछे भी हिस्ट्री है, एक स्टोरी है. दिस इज बाग बाजार सार्वजनी दुर्गा पूजो. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद बोथ बाग बाजार सार्वजनिक दुर्गोत्सव एंड शिमला बयाम समिति सार्वजनिक दुर्गा पूजो. दीज टू कम्युनिटी पूजास वर वेकेड्स यूज फॉर स्वदेशी एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडेड शेल्टर टू फ्रीडम फाइटर्स हु वर फोर्स्ड टू गो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. लेटर इन 1938-1939 नेताजी हिमसेल्फ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बाग बाजार सार्वजनिक दुर्गा पूजो कमेटी. So here we are at Kumartuli to meet the goddess of Potter's Colony. Kumartuli is located in North Calcutta. यही मूर्तियों को उनका आकार दिया जाता है. The main components used for making the Durga idol includes bamboo, straws, husk, and punyamati. The punyamati is a mix of mud from the banks of holy river Ganga, cow dung, gomutra, and mud from the brothel. Also called Nishiddha Pullis or Forbidden Territories. It is said that based on the Vedas is that women fall under nine classes known as Navakanyas who are to be worshipped along with Ma Durga during the Durga Puja. The Nrityaki, dancer as well as the Vaishya, prostitute are among the Navakanyas. Thus, the use of soil from their doorsteps is a sign of respect given to them during the puja. Whatever the reason might be, the centuries-old ritual is still followed without any questioning. For a change, हम लोगों ने halt लिया कुमारटुली घाट पे to witness the calming beauty of the sunset. Walking through the narrow lanes of Kumartuli, which is hiding the old stories and old histories, we witness the making of idols for Lakshmi Puja and Kali Puja. दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद लक्ष्मी पूजा होती है और उसी के कुछ दिन बाद होती है काली पूजा. जब इंडिया का ज्यादातर पार्ट दिवाली मना रहा होता है, हम मनाते हैं काली पूजा. जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे स्ट्रीट्स में हसलिंग एंड बसलिंग भी बढ़ गई. क्राउड की एनर्जी एंड वाइब्स हमेशा ही इतनी ही इंसेन होती है. इतनी एनर्जी देख के हम में भी एनर्जी बढ़ जाती है. सारे दिन की थकान मानो गायब सी हो जाती है. हैप्पीनेस एंड क्रेजीनेस इज कंटेजियस आफ्टर ऑल. इतनी भीड़ में कैमरा मैंने अपने सर के ऊपर ही कर रखा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या कैप्चर हो रहा है और क्या नहीं. देखो इतना घूम के किसी को भी भूख लग ही जाएगी और जब सामने फुचका दिख जाए तो बेटा जी
कौन ही इतना पागल होगा कि मिस कर दे। अभी तक की ट्रिप की बेस्ट फुचका थे। फुचका के बाद थोड़ी सी बिरयानी तो बनती हुई ना। हाँ तो मैं कर ही तो रहा हूँ। छोटी कल की पूजा होगी, हमारे पूजा से बढ़िया होगी। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। घूम घूम के चल चल के थोड़ा सा थक ज़रूर गए हैं, बट मज़ा बहुत आया। देखो, सबको अपनी लाइफ में कम एक बार तो कोलकाता की दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। वैसे हमारे घर के जस्ट बाहर भी एक पूजा होती है। हम घर पहुंच गए, होम स्वीट होम आखिरकार। तो आज सुबह हम अराउंड 11 या 11:30 निकले थे और अभी बज रहे हैं रात के 1। यस, हम 1 बजे घर वापस आए हैं, सुबह के 11:30 बजे करके हम अभी घर वापस आए हैं 1 बजे। और स्टेप्स काउंट, ओके, हाँ टाइम देख लो। ठीक है, तो अभी हम 1 बजे घर वापस आए और सुबह हम निकले थे 11:30 बजे। ठीक है, तो अभी मैंने स्टेप्स देखे कि हमने 12 बजे तक कितने स्टेप्स हमने कंप्लीट करे थे। ये है 35,682 स्टेप्स, 26.99 किलोमीटर्स हमने इतना वॉक करा है। अराउंड 27 किलोमीटर्स हमने वॉक करा है। ओ माय गॉड, एंड एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट तो होती नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है इससे ज़्यादा ही हुआ है। हम आज बहुत चले हैं, पूरा दिन चले हैं, मोर देन 12 आवर्स, अराउंड 14 आवर्स हमसे वॉक कर रहे थे। 1275 कैलोरीज बर्न, फिर भी मैं मोटी हो जाऊँगी। तो शुभ सप्तमी, सप्तमी यही समाप्त होती है, एंड लेट्स मूव टू अष्टमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।